हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इट अप, मैक्सिमम न्यूज इन मिनिमम टाइम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कोविड 19 एयरबॉर्न डिजीज है, और डिस्कस करेंगे व्हाट इज एयरबॉर्न डिजीज, व्हाट इज एरोसॉल्स, इस कोविड 19 एयरबॉर्न डिजीज व्हाट आर द प्रिकॉशंस। सबसे पहले जानेंगे एयरबॉर्न डिजीज होता क्या है। वो हर एक डिजीज जो पैथोजेंस के द्वारा होती है, पैथोजेंस मीन्स वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, और ये इजली एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है। एयरबॉर्न डिजीज फैलती है जब इन्फेक्टेड पर्सन सांस लेता है, बात करता है, छींकता है, खांसता है, इवन वो टॉयलेट फ्लश भी करता है। वो हर एक एक्टिविटी जिससे एरोसोल्स पार्टिकल बनती है। अब जानेंगे एरोसोल्स होता क्या है। एरोसोल्स बना है दो वर्ड से, एरो और सोल से। यह स्मॉल सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल होता है जो एयर और गैस में पाए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। अब हम लोग अंतर देखेंगे ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में क्या होता है। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कफ और स्नीजिंग ये सब से फैलते हैं। बट जो एयरबॉर्न रहते हैं वो इवन बात करने से भी फैल सकते हैं। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी साइज जो होती है मोर देन 5 माइक्रोन्स होती है, और जो एयरबॉर्न डिजीज होती है उसकी जो साइज होती है लेस देन 5 माइक्रोन्स होती है। लेस देन 5 माइक्रोन्स का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन हेयर जो होता है वो 16 to 120 माइक्रोन्स होते हैं। मतलब इसके कंपेयर में एरोसोल्स या एयरबॉर्न डिजीज कितना छोटा होता है। बड़े ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो इजली क्या होते हैं, ग्राउंड में सेटल हो जाते हैं, लेकिन एरोसोल्स अपने साइज के कारण वो एयर में सर्कुलेट होता है। 6 जुलाई को 239 साइंटिस्ट ने 32 कंट्री से एक लेटर पर सिग्नेचर किया जिसमें लिखा था कोविड 19 एरोसोल से भी हो सकता है, और इस लेटर का टाइटल था इट इज टाइम टू एड्रेस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोविड 19। उन्होंने ये प्रॉपर रिसर्च और एविडेंस के साथ कहा है। चाइना में पाया गया कि एक रेस्टोरेंट में एयर कंडीशन के द्वारा कुछ लोग कोविड 19 से इन्फेक्टेड हो गए। जब रिसर्चर्स ने इसकी वीडियो देखी तो पता चला जो मोस्ट ऑफ इन्फेक्टेड थे वो एक दूसरे से 6 फिट और उससे ज़्यादा की दूरी पर बैठे हुए थे। यूएस के वॉशिंगटन डीसी स्टेट में पाया गया एक पर्सन जो कॉन्सर्ट के लिए सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, उससे 52 लोग इन्फेक्ट हो गए। आप लोगों ने देखा होगा पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स जो है वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, हैंड वॉशिंग पर जोर करते हैं। क्या कभी उन्होंने प्रॉपर वेंटिलेशन के बारे में बात किया है? क्या होगा जब सारे स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स खुलेंगे और वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो कोविड 19 के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। स्कूल्स, मॉल्स, कॉलेजेस में प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत है जिससे एयर सर्कुलेट प्रॉपरली कर सकें। हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं एयरबॉर्न डिजीज़ के लिए। हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे ही, जो पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, बट अब N95 मास्क पहनना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा जिससे एरोसोल्स जैसे छोटे पार्टिकल भी ईजली फिल्टर हो सकें। अपने डोर को बंद रखें, आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हो सके तो अपने एयर कंडीशन के फिल्टरेशन को टाइम टू टाइम चेंज कराते रहें। यूवी रेज लाइट्स का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं वायरस को किल करने में। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिससे मैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।